परीक्षा में कम नंबर आने को लेकर इंदौर लॉ कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने शिक्षकों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए रिपोर्ट। इंदौर लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दरअसल स्टूडेंट्स का आरोप है कि परीक्षा में उनके कुछ और नंबर हैं और रिजल्ट में अलग नंबर दिए गए, जिसे लेकर उन्होंने कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव से मुलाकात की और समस्या बताई। मीडिया से चर्चा के दौरान छात्रों ने कहा कि प्रिंसिपल से जब पूछा जाता है तो कहती है भूत ने नंबर कम कर दिए। कॉलेज इंदौर के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। प्रिंसिपल मैम के बर्ताव की वजह से मेन आना हुआ। मार्क्स हम लोगों को जो दिए गए वो फाइनल लिस्ट में कुछ और दिए गए थे। उसके बाद जब रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया तो कम मार्क्स सबके चढ़ाए गए। इसमें से एक स्टूडेंट के तो 15 मार्क्स थे, उसके 8 चढ़ाए गए। हम लोग 76 क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं, उनमें से सभी के लगभग मार्क्स कम किए गए। इस वजह से 2 स्टूडेंट्स की तो यूनिवर्सिटी में रैंक लगना रह गई सिर्फ 3 से 4 मार्क्स से। और जब प्रिंसिपल मैम से पूछा जाता है कि आपने मार्क्स का मैम ये कम कैसे हो गए, फाइनल लिस्ट में दूसरे थे, तो मैडम का कहना था ये मार्क्स भूत ने कम किए गए। और दूसरी बात, मैडम यूनिवर्सिटी के रूल्स के अगेंस्ट अपने नियम निकालती हैं और बोलती हैं कि आपके इस तरह से इंटरनल कंडक्ट किए जाएंगे। और उन्हीं के कॉलेज के फैकल्टी बोलते हैं कि हम मैडम का नियम भी नहीं मानते, हम ये नियम मानते हैं और उसके हिसाब से वो मार्क्स नहीं देते। जो बार काउंसिल के नियम है उसके अनुसार एक लॉ बैकग्राउंड का प्रिंसिपल होना चाहिए। हमारे कॉलेज में लॉ बैकग्राउंड का प्रिंसिपल नहीं है और मैडम का बिहेवियर इतना ख़राब है कि अगर मैडम से कोई शिकायत करने जाओ तो मैडम बोलती है आप TC ले लो, मैडम बोलती है आपकी FIR कर दूंगी। कलेक्टर लोकेश जाटव ने छात्रों की समस्या सुनकर उनसे ज्ञापन लेकर समस्या के निराकरण की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।